नमस्कार। बाहर ले जा तेरा नमस्कार। कौन हो तुम? ये कोई कोर्ट अदालत है जो मुंह उठा के चले आए? अरे मैं शकील हूँ। एक मिनट शकील हूँ। जेब से हाथ बाहर निकाल। ओके। हाँ बोल। मैं शकील हूँ, पेशे से वकील हूँ। मैं वसीयत लेके आया हूँ, कानून के कंबल में, दफाओं के चंबल में। कौन सी वसीयत? कैसी वसीयत? कटरीना से शादी करके रहूंगा। अरे भाई ये जो वसीयत है इसे मिस्टर झक्की ने लिखवाया है, और इसमें उन्होंने ये लिखाया है कि जो पावर ऑफ अटर्नी उनके जीजा जी की उनके पास है, वो पावर ऑफ अटर्नी वो अपने भांजे तेल तिवारी के नाम पर कर रहे हैं। एक मिनट क्या हो, खड़ा हो? अबे सी ग्रेड के डी क्लास जोकर क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है? मैं क्रैक हूं 30 साल से, आया हूं नैनीताल से। ये लीजिए, ये है कानूनी कागज, अब मैं चलता हूं। नमस्कार। लल्ला मैंने तो सपने में भी ना सोचा कि ये तेरा बापू जो है इतना बड़ा धोखे बाद निकलेगा। यूं बताओ तुम जो है कुकी खरबंदा के साथ लंदन जाने की प्लानिंग कर रहे हो? हाँ, अरे कुकी खरबंदा की शक्ल देखिए, चुड़ैल जैसी लगे हो डायन। हाँ हाँ, चूटी काट लूंगी, बताओ, बोलो तो सही। अरे तुम चुप करोगी तो बोलू। पाओ किलो अमिताभ, ये कौन है कुकी खरबंदा, कौन है ये? अरे ये नहीं जानती हो तुम कि ये तुम्हारा सपूत जो है ये उस टुइया के साथ मिलके मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। मैं क्रैक हूं 30 साल से, आया हूं नैनीताल से। अरे कौन सी टुइया, काहे की टुइया है? एक तो मेवा से मेरी इतनी बुरी तरीके से सुताई करवा दी, कंबल में उड़ा उड़ा के मारा उसने मुझे, और बातें बना रहे हो यहाँ पे? कटरीना से शादी करके रहूंगा। क्या कहा तुमने, मेवा से सुताई करा दी मैंने? एक मिनट, ये कहीं तुम लोगों को पट्टी उसी ने तो नहीं पढ़ाई जिसने मुझे ये पट्टी पढ़ाई कि तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, यानी कि मेवा ने? मैं क्रैक हूँ 30 साल से, आया हूँ नैनीताल से। एक मिनट, हमारी बॉडम बुद्धि कह रही है हो ना हो ये सब ना चाल होगी उस मेवा की हमें बांट देने की। अरे क्योंकि ये बात तो हमें मेवा ने बताई है। और मुझे भी मेवा ने ही कहा। अच्छा अच्छा, इसका मतलब वो हमारे साथ खेल खेल रही थी। मैं क्रैक हूँ 30 साल से, आया हूँ नैनीताल से। मक्खी चली जाएगी मुंह में। डैडी मेरी बात आप मानो, एक एक काम करते हैं। मेरा एक दोस्त है जो बकवास बोटिंग क्लब में काम करता है, क्यों ना हम सब पिकनिक के बहाने चलें उन लोगों को लेके, और एक बोट में हम तीनों बैठेंगे और एक बोट में उन लोगों को बिठाएंगे, और जिस बोट में वो लोग बैठेंगे उस बोट में छेद होगा, कुछ दूरी के बाद जाके झील में नाव डूब जाएगी और वो लोग हमारे रास्ते से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। कटरीना से शादी करके रहूंगा। चल चल पौनी अमिताभ, माफी मांग, और तू कल मुझे माफी मांग, मेरे भांजे से माफी मांगो दोनों, जिसे आज तक तुम लोगों ने इस घर का नौकर बना के रखा था। बिटुआ हमको माफ कर दो बिटुआ, अरे तुम ही हमारे मालिक है रहे हो, अरे तुम ही हमारे मालिक हो, पता है सारी जायदाद सारी प्रॉपर्टी इन्होंने तुम्हारे नाम कर दी है बालक, है हमें माफ कर दो, हमसे भारी भूल हो गई, चूटी ना काटूंगी। भैया मुझे भी माफ कर दो, कटरीना से शादी नहीं करूंगा। मामा जी मुझे क्या लगता है ना कि ये हमारी मामी है और ये देवर, तो इनको माफ कर देना चाहिए क्योंकि इनकी जगह हमारे चरणों में नहीं बल्कि हमारे दिल में। बहू तुम नहीं जानती हो ये दोनों इसी काबिल हैं। हाँ, और सुनो तेल बेटा, ये देखो मैंने पावर बटोनी तुम्हारे नाम कर दी। और मैं क्रैक हूँ 30 साल से, आया हूँ नैनीताल से। हाँ मामा जी इसकी क्या जरूरत थी मुंह फाड़ के? जरूरत थी बेटा, बहुत जरूरत थी, क्योंकि इसके बाद मैं अब इन दोनों को इस घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगा।
नहीं मामा जी, नहीं ऐसा मत कीजिए, ये मेरी मामी है जो मेरी माँ समान है। प्लीज प्लीज इन दोनों को माफ कर दीजिए मामा जी, मुंह फाड़ के। नहीं मामा जी, मुझे लगता है कि आप इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि आपका दिल तो कितना बड़ा है ना, और मेरा नाम है मेवा, मैं कर दूंगी सबकी सेवा। पकड़ो 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 पकड़ो। ठीक है बहू, तुम कहती हो तो ठीक है, मैं इन दोनों को माफ कर देता हूँ। अब से हम इस घर में एक सुखी परिवार की तरह रहेंगे। तो क्यों ना एक काम करें, आज शाम को हम लोग पिकनिक मनाने के लिए बकवास बोटिंग क्लब चले। थैंक यू मामा जी, थैंक यू। मैडम मैडम क्या बात है, मेरी मामी और ये मेरे मामा का लड़का दोनों मान गए, और ये देखो मेरे नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी भी हो चुकी है मुंह फाड़ के। अबे तू स्टूपिड का स्टूपिड है तू कतई। अबे मामा का तो सही है, उनपे तो हमने चाल फेंकी थी, पर यो थारी मनोरमा सी मामी और रुपेश कुमार सा भाई, यो निरूपा रॉय और बिल्कुल राजेंद्र नाथ कैसे हो गए इस दे परिवर्तन। कोई तो चाल से बेटा हसीन कुमार, सारा मामला सेट है ना, मैं क्रैक हूँ 30 साल से, आया हूँ नैनीताल से। डैडी आप चिंता मत करो, मैंने अपने दोस्त से कह के सारा मामला फिट कर लिया है, थोड़ी देर के बाद उनकी बोट में पानी भर जाएगा और वो सारे के सारे पानी में दुड़ो। कटरीना से शादी करके रहूंगा और हम सारी की सारी जायदाद के मालिक है जाएंगे, चूटी काट लूंगी। कितना अच्छा मौसम है ना, पकड़ो 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 पकड़ो। अब देखो 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 झील का पानी कितना ठंडा है ना। तुम रेडियो लाए हो, मुझे गाना सुनना है, पकड़ो 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 पकड़ो। नहीं मैं रेडियो नहीं लाया हूँ मुंह फाड़ के। हम हो ना रेडियो। तुम पकड़ो 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 पकड़ो। अरे हसीन कुमार कहाँ है तेरे नाव का छेद, कब खुलेगा वो? अरे डैडी उसमें मसाला भरा हुआ है ना, थोड़ा सा टाइम लो, अभी मसाला निकलेगा और सारे के सारे लोग जो पानी में देखते जाओ। अरे हसीन कुमार ये तेल और मेवा की बोट कहाँ गायब हो गई? ए जी दोनों की बोट ना डूब गई होगी, मर गए दोनों, चूटी काट लूंगी। हाँ मम्मी, आखिर मेरे दोस्त ने उन्हें छेद वाली नाव में जो बिठाया था। कटरीना से शादी कर। शाबाश बेटे शाबाश। ये कांटा भी निकल गया, आज शाम को पार्टी करेंगे। अबे किस नाव में छेद है, लगता है इसी नाव का मसाला निकल गया। डैडी लगता है उसका देने धोखे से अपन को छेद वाली नाव में बिठा दिया है। हाँ, ये तो डूब मरे। अरे साहब जी आप लोग इधर इंतजार करो, हम अभी आता है। मुझे तो डूबना भी ना आता, मैं क्या करूं, चिल्लू पर पानी में डूब मरूं। क्या कर रखा हमने, पता नहीं मार रहे हमें। बस मिस चौटाला बस बस मिस चौटाला बस कीजिए, आपने इसकी बहुत सुताई कर ली, हम भी जरा कर ले थोड़ी। भैया ये लो।
अब बता बे कि किसके कहने पर तूने ये सब किया, बता। देखो यार, जो भी बात है, दिन है या रात है, जरा खुल के बोल डालो, ईमेल अकाउंट खोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का मंजीरा गुस्से के ढोलक के साथ बज गया ना, फिर हमारी मैडम एक नंबर की राउडी राक्षसनी, मेरा मतलब है पीटू पिशाचनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे। अरे मैडम, हमने मना किया था क्या? हमने कभी मना ना किया और आपने मुझे भडर 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 पीट डाला, और ये साहबा इन्होंने भी भडर 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 पीट डाला। बताओ, हमने कभी मना करा? अरे वो हसीन जो है ना, उसने हमको पैसे दिए थे कि आपको उस नाव में बिठा दें आप लोगों को, जिसमें छेद हो, जिससे कि आपकी नाव डूब जाए, और उसको अच्छी वाली नाव दे दें जिससे उसकी नाव ना डूबे। लेकिन हो गया उल्टा इज्दा, पासा पड़ गया पुल्टा इज्दा। हाँ, छेद वाली नाव में वो लोग बैठे, मैंने खुद उन्हें बैठते हुए देखा था मैडम, लेकिन वो लोग डूबे नहीं, मैंने उनको बाहर निकल के जाते हुए भी देखा है तैर तैर के। कतई मगरमच्छ के पोते हो रहे हैं, स्विमिंग करके निकल गए। चलो कोई बात ना, इब तो सबूत और गवाह दोनों है कि उसने जो है मारे और तेल पे जानलेवा हमला करने की कोशिश करी है, डुबा के मारने की, अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अरेस्ट होंगे इब सब। अच्छा, लेकिन एक बात अच्छा हुआ तेल के, तुम्हें तुम्हारे पिताजी की प्रॉपर्टी वापस मिल गई। हाँ मैडम, अब हम करेंगे शादी, फिर बढ़ेगी घर की आबादी, इश्क चमनी छाए छाए, लव अटनी आए है। ओहो, तो ये सारे के सारे लोग मिले हुए, और इन सब लोगों ने मुझे थैंक यू वेरी मच मैडम, आप मेरे घर पर मेवा बनकर आई और मुझे न्याय दिलवाया, थैंक यू वेरी मच मैडम। अच्छा, तो ये चंद्रमुखी चौटाला ही मेवा है। अरे जुलमी जलेबी, तुझे भी थैंक यू, हाँ, क्योंकि अगर तू मुझे हिम्मत ना देती ना, तो मैं जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठा पाता। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, मुंह फाड़ के। ठीक है, अब तू ये मेवा देख, मैं तेरी कैसे करता हूँ सेवा, कटरीना से शादी करके रहूंगा। तुम लोगों को लगता है कि जुल्मी जलेबी को पकड़कर रस्सी में जकड़कर तुम तेल की जायदाद हत्या लोगे? तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन तेल को ऐसा नहीं करने दूंगी। करेगा, तेल करेगा साइन, वो इन कागजात पे जरूर साइन करेगा, इसमें साफ साफ लिखा है कि वो अपनी सारी जायदाद हमेशा हमेशा के लिए मेरे नाम कर रहा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे प्यार के खातिर वो कुछ भी करेगा। मैं क्रैक हूँ 30 साल से, आया हूँ नैनीताल से। हाँ सर, सर मामा। आओ आओ भांजे। लो भैया, आ गए कुंवर तेल जी, आरती उतरवा लो, है रुको रुको, है लो प्रसाद, लो प्रसाद, लो प्रसाद, लो। अरे तेरे क्या सोची है, मामा मामी को चूरन चटा के तू मालपुआ खा लेगा, हाँ चूटी काट लूंगी। क्या ऐसे क्या देख रहा है, ये प्रॉपर्टी के कागज हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि तू अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे बाप के नाम कर रहा है हमेशा के लिए, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी इस जलेबी को ऊपर पहुंचा दूंगा, कटरीना से शादी करके रहूंगा। तेल, तुम साइन नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम है, इश्क चवन्नी छाए छाए, लवर टन्नी आए आए। नहीं नहीं नहीं, मैं साइन करता हूँ मामा, प्लीज आप जलेबी को कुछ मत कीजिए, लाइए लाइए मैं साइन कर लेता हूँ। शादी ये लो, इस पे साइन करो, और आज के बाद तुम्हारी सारी जायदाद मेरी हमेशा हमेशा के लिए मेरी करो। इतनी जल्दी के है? वाह 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 वाह, क्या हैप्पी फैमिली है, वाह। इव योर हैप्पी फैमिली मिलके एक संग हैप्पी हैप्पी होके जेल जाएगी।
क्योंकि अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पोसंपा भी पोसंपा पोसंपा। हमें माफ कर दो मैडम, हमें माफ कर दो, हमने कुछ ना करा मैडम, हमें तो ना इन्होंने बरगला दिया ये मैडम, हमें माफ कर दो मैडम, हम पाव पड़ रहे हैं। अरे चुपचाप तीनों लोग अपनी जगह पर खड़े रहो। खड़े। डैडी, बताओ अब तीनों का मैं क्या करूं? अरे करना क्या है, इस चौटाला को गोली मार दे। नहीं नहीं नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ चौटाला। नहीं डैडी, मुझे कसम है पंजाब की मिट्टी दी, अब तुम मम्मी जी को गोली नहीं मार सकते, मैं मम्मी जी के लिए कुर्बानी दूंगा, तुम मुझे गोली मारो। नहीं नहीं गोपी नहीं। मैडम आप हमेशा कहती है ना कुछ खाता रहता हूँ, आज आपके लिए गोली खाने का मौका मिला है मैडम, मैं आपके लिए गोली खाऊंगा, गोली चलाओ चलाओ। नहीं नहीं नहीं, आज तक मैंने मम्मी जी के लिए कुछ नहीं खाया है, मैं गोली खाऊंगा, मुझे गोली मारो, मुझे गोली मारो। ठीक है यार, इसे गोली मार दो। नहीं खाना है गोली, नहीं खाना, तुझे खानी है ना गोली, तुझे कुर्बानी दोगे दो ना। तू तो फील हो रहा है, यहाँ दोस्तियाँ निभनी है यहाँ पर। हाँ अरे मैडम बिल्लू आ गया, बिल्लू अब सब ठीक हो जाएगा। वाह, आखिर कमिश्नर का साला काम आया। आजा बेटा। मैडम मैं बहुत काम की चीज़ हूँ, मैं बस मैडम एक बार मेरा प्रमोशन हो जाए ना बस, और तो मैं कुछ भगवान से आज तक मांगा नहीं है। हाँ हाँ प्रमोशन होगा, इधर आ बंदूक दे। बस प्रमोशन रहे तो उसके बाद में फिर तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा अच्छा बंदूक दे, चल चल। जी मैडम। अरे भूला माले भूल गया। अबे मालिक आपका नौकर रामलाल आ गया है, अब दुश्मनों के छक्के छुड़ा दीजिए मालिक, अब आज मुझे जाके आपके नमक का कर्ज अदा करने का मौका मिला है मालिक। अरे गंदे पहले चंद्रमुखी चौटाला, अब तू चुप कर रामलाल। बाजी पलट गई ना, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक तो एक दो क्या डैडी, सीधा गोली मारो। मारी बंदूक में गोलियां क्यों ना आया, कि तने भरी थी ना। अरे ओ यार मैडम मैं तो भूल ही गया, सॉरी। तुम्हारी बंदूक में गोली भरना भूल गया तू। अच्छा किया।